सो हेलो गाइस, आज मैं आज कहूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके जिसमें मैं बताऊंगा आपको क्यूब का सेटअप कैसे करना है। मेरे पास क्यूब्स है चार, ये है और चार क्यूब मेरे पास ये है, टोटल मेरे पास आठ क्यूब है। तो अब मैं इनमें से मेरे पास बहुत सारे स्मूथ क्यूब हैं और एक आध जो है वो बेकार से क्यूब। तो इस वीडियो में आपको उस क्यूब का सेटअप करने सिखाऊंगा। ये है मेरा वो क्यूब, ये आप देख सकते हैं वीडियो में कितना बुरा चल रहा है, ये देखिए कैसा अटक सा रहा है। तो जब अगर आपको इसकी अनबॉक्सिंग देखनी है मेरे चैनल में, इसमें भी है नीचे की तरफ से, सबसे नीचे में है, तो तब आप वहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा चलता था। चलिए अब मैं इसका सेटअप करता हूँ। ये देखिए मेरे पास एक स्पीड को भी, अब ये देखिए इसके कॉर्नर कट भी बहुत अच्छे हैं, अभी मैं कॉर्नर कट भी दिखाऊँगा। ये देखिए आप इसका कॉर्नर कट देखिए, अब मैं इसके आपको कॉर्नर कट देखिए कितना अच्छा चला है। ये यहाँ पे थोड़ा टक गया था, उसे छोड़िए। तो अब मैं आपको उस क्यूब का सेटअप करना सिखाता हूँ। ये है मेरा क्यूब, अपने वीडियो के शुरू में देख ही लिया होगा कि कितना बेकार चल रहा है क्यूब। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, अब इसके एक एक करके हमें सारे सेंटर पीस खोल लेने हैं। देखिए नॉर्मल वाला क्यूब है, इसमें मतलब कोई टाइमर वाइमर जो होता है अंदर वो शेप नहीं है, आप सभी के पास भी होता है नॉर्मल क्यूब। तो इसलिए मैं इसका सेटअप करना सिखा रहा हूँ। सर हमने सारे सेंटर पीस खोली, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये जो क्यूब है हमारा है इसे मतलब तोड़ा कैसे, मतलब ये सही तरीका क्या होता है। इसे तोड़ने का भी एक तरीका होता है वरना टूट जाता है। देखिए अब वीडियो में देखिए कैसे मैं कर रहा हूँ। तो अब हमें क्या कहते हैं, एच पी इसको दूसरे एच पी से मिला लेना है कुछ इस तरह। इस तरह मिलाने के बाद हमें कॉर्नर, दोनों कॉर्नर को पकड़ के साइड की तरफ खींचना है और एच पी इसको हल्का सा पकड़ के टर्न करेंगे, निकल जाएगा। इससे ना हमारे क्यूब पर डैमेज पड़ेगी ना हमारा एच पी से कॉर्नर कुछ टूटेगा नहीं। कॉर्नर पीस तो कभी नहीं निकाला, देखिए करके ये पूरा आप तोड़ लीजिए, इसे निकाल लीजिए इस पूरे क्यूब को। मैं इस क्यूब को तोड़ने के बाद मिलता हूँ। अब देखिए मैंने इस पूरे क्यूब को तोड़ लिया है। इसके बाद अब ये देखिए जो हमारा पार्ट है, ये मेन पार्ट होता है हमारा घूमने का, स्पिनर जैसा लग रहा है। हाँ तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसे भी निकालना होगा। पहले इन सबको साइड कर देता हूँ, साइड करने का। अब हमें क्या करना है, इसे निकाल लेना है पूरा, मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे अलग अलग एक पार्ट इसका अलग कर लेना है, इसका स्प्रिंग, इसका नट, इसका वो जो भी वगैरह वगैरह। इसके बाद हम गलती से मैंने कर दिया है तो मैं निकाल लेता हूँ। बहुत मुश्किल है इसे निकालना, कसा हुआ है दादा। तो मैं इसे खोलने के बाद आपसे मिलूँ, ठीक है। बहुत मुश्किल है तो मैं इसे खोलने के बाद आपसे मिलता हूँ। बड़ी मेहनत मुशक्कत से मैंने इसे तोड़ा है, मतलब खोला है। तो अब इसमें देखिए क्या क्या पार्ट निकले, स्प्रिंग निकली है, ये इस हर नट के अंदर की स्प्रिंग है, स्प्रिंग निकाल लिए अलग अलग कर लिए, और ये बी मेन पॉइंट उसका जो बीच में ग्रीन कलर का वो। तो अब हमें क्या करना है, आपको सिर्फ एप्पल कंपनी का कपड़ा लेना है जो कि 2000 रुपये का आता है, ठीक है। ये मजाक था, कोई भी आप कपड़ा ले सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। तो अब आपको कोई भी एक पीस उठाना है, एच पीस या कॉर्नर पे कुछ भी उठा के उसे कपड़े में करके अच्छे से झिझोड़ देना है, अच्छे से साफ कर लेना, मतलब झिझोड़ दो अच्छे से पकड़ के उसे, वो साफ हो जाएगा। देखिए अच्छा चमक गया है। तो ऐसे करके एक एक करके हम सब कुछ ऐसे साफ कर लेंगे, साफ कर लीजिए जल्दी अभी। तो मैं इसे सबको साफ़ करने के बाद मिलता हूँ। तो गाइज मैंने ये सब चीज़ साफ कर ली है, सब कुछ साफ कर लिया, एच पी एच पी सेंटर पी जो भी है। साफ करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब ये नट भी स्प्रिंग भी सब है। तो अब हमें क्या करना है, ये एक हमें ये उठाना है, नट के अंदर स्प्रिंग डालनी है, स्प्रिंग डालने के बाद हमें इसमें बीच में ऐसे डाल देना है और इसे साइड में रख देना है, आराम से रखिएगा ताकि गिरे ना उसकी स्प्रिंग। तो अब एक एक करके सब में से डाल दिए, मैं कैमरे में देख कर डाल रहा हूँ तो मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है डालने में। तो इसे ऐसे करके सब में डाल दीजिए, स्प्रिंग 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 भी तो डालनी है, गलती से मैंने खाली नट डाल दिया, स्प्रिंग डाल दी मैंने। अब आप भी ऐसे करके डाल दीजिए, वीडियो को इसका बिल्कुल ना करें, तो डाली स्प्रिंग का है इसमें, स्प्रिंग 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 वो रही स्प्रिंग। तो हम इसमें भी डाल लेंगे। अब ये आखिरी हमारा पीस बचा है,
इसकी पहले से डल ही थी तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। अब हमें यह करना है, अभी डल चुका है, साफ़ हो चुका है, अब सिर्फ एक दो काम और रह गए। अब क्या है वो, ये जो बीच में हरा रंग का है डब्बा सा, गोल सा अजीब सी चीज़, तो इसे हमें क्या करना है, इस पीस को उठा के इसमें लगाना है। इसमें लगाने के बाद आपको क्या करना है, पेचकस लेना है। पेचकस से मैं आपको बताऊंगा मतलब कितनी बार घुमाना है। इसे पहले निकाल तो मैंने गलती से कस दिया, निकालने के बाद इसे बीच में ऐसे रख लेना है। उसके बाद पेचकस से लेके पांच पांच मरतब, मतलब पांच मरतबा एक को पांच मरतबा कस देना है। ऐसे आप छः के छः को कस दीजिए, ठीक है, मुश्किल है थोड़ा हाथ में पकड़ना है, तो पांच मरतबा आप इसे कस दीजिए। तो केवल पांच मरतबा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ढीला है तो उसे कुछ नहीं कर दीजिए, अभी मेरा भी ढीला है, तो मैं इन सबको कसने के बाद मिलता हूँ। तो गाइज मैंने इन सबको पांच पांच मरतबा कर दिया, ये ढीले हैं अभी उसे।